इस वीडियो में हम बात करेंगे नैरेटिव रिसर्च के बारे में। किसी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की ही एक टाइप है। तो नैरेटिव रिसर्च में हम देख लेते हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस इज टू फोकस ऑन स्टडिंग ए सिंगल पर्सन एंड गैदरिंग डाटा थ्रू द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज दैट आर यूज्ड कंस्ट्रक्ट अ नैरेटिव अबाउट द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड अ मीनिंग ही शी अट्रिब्यूट टू देम। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट करना है, एक सिंगल पर्सन से कलेक्ट करना है या सिंगल कम्युनिटी से कलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि हमने डिफरेंट तरह के पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं, जगह जगह से ले रहे हैं, बल्कि इसमें जो रिसर्च हो रही है वो सिर्फ सिंगल पर्सन से रिलेटेड हो रही है। जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी स्टोरीज़ हैं, वो एक इंडिविजुअल की आएंगी। हमने उसकी परसेप्शन देखनी है कि उसकी क्या क्या लाइफ थी, उसमें क्या क्या उसने फेस किया, या जो भी उससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन या डाटा चाहिए, तो सिर्फ सिंगल पर्सन पर बेस कर रहा होगा। नैरेटिव में यही होता है ना कि एक पर्सन जो है वो नरेट कर रहा है, अपनी स्टोरी सारी बता रहा है। तो हमने इसमें भी यही चीज़ जो है इस पर फोकस रखना है कि एक पर्सन जो है उसकी लाइफ किस तरह से गुजरी है, या एक पूरी कम्युनिटी जो है उनका कैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, या उनमें क्या है, उनकी परसेप्शन के बारे में लिखना है। अब इसके हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि ना यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट डज इंक्लूजन मीन टू अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड हु इज़ प्लेस्ड इन अ रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम। क्या मतलब हुआ कि इस तरह की जो रिसर्च होती है ना, जो नैरेटिव रिसर्च होती है, उसमें जो क्वेश्चनिंग की जाती है, यानी आपका जो पूरा रिसर्च आर्टिकल है वो इस तरह के क्वेश्चंस पे बेस होता है कि मतलब एक इंक्लूजन जो है स्पेशल चाइल्ड जिसको आप रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम में भेज रहे हैं, उसका क्या मतलब है, यानी वो क्या सीखता है, क्या उसका इस वर्ड से रिलेटेड परसेप्शन है, कि क्या वो उनके जो रेगुलर एजुकेशन हो रही है वहाँ पर वो अपने आप को इंक्लूड करता है, या वो समझता है कि मैं भी इनकी तरह हूँ, या उसकी परसेप्शन, यानी आपने एक स्पेशल चाइल्ड लिया और उससे रिगार्डिंग उसके सारे उसके ओपिनियंस लिए, देन आपने वो जो है मतलब क्वेश्चन जो है उसको ऐड किया, या जो भी है उससे रिगार्डिंग आपने सारा डाटा जो है वो निकाला। तो ये चीज़ जो है ये क्या होगी, नैरेटिव रिसर्च, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है। तो इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।